गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद प्रकाश राकेचर, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। ई लेक्चर के क्रम के अंदर सेकेंड ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्योरी ऑफ मशीन विषय एम कोड ME204 के अंदर मैं आपको आज मैकेनिज्म्स के दूसरे एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी काइनेमेटिक चेन के एक लिंक को अगर अपन स्थिर कर दें तो हमें यंत्र विन्यास प्राप्त होता है। प्रत्येक लिंक की गति जो होती है वो कंस्ट्रेंड मोशन होती है। दो यूजफुल फोर बार चैन मैकेनिज्म्स जो है वो फोर बार चैन मैकेनिज्म और स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर अपन स्टडी करते हैं। इनका उपयोग कई जगह होता है, जैसा मैंने पहले लेक्चर के अंदर दो एग्जाम्पल्स आपको बताए थे। आज और एग्जाम्पल्स फोर बार चैन मैकेनिज्म और स्लाइडर क्रैंक चैन के इन्वर्जन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेजी टोंग मैकेनिज्म्स के अंदर यहाँ पे एक कड़ी को जो है बिंदु ओ के ऊपर स्थिर किया गया है और दूसरी कड़ी जो इससे पिन से क्रॉस के बिंदु के ऊपर जुड़ी हुई है उसके सिरे ए को स्लाइडर से जोड़ा गया है। इसी प्रकार से इन कड़ियों को एक्सटेंड करते हुए नंबर ऑफ फोर बार्स को कनेक्ट करके मैकेनिज्म्स को प्राप्त किया गया है। अंतिम बिंदु पी जो है इसके ऊपर इस बिंदु की जो है वो अंदर की ओर या बाहर की ओर ये गति कर सकता है। जब बिंदु ए जो है वो वर्टिकल गाइड के अंदर ऊपर की ओर मोशन करेगा तो बिंदु पी जो है वो दाईं ओर बाईं ओर गति करेगा, अर्थात इसकी लंबाई के अंदर कमी हो जाएगी। जब वर्टिकल स्लाइड के अंदर गाइड के अंदर बिंदु ए नीचे की ओर गति करेगा तो इसकी लंबाई के अंदर वृद्धि हो जाएगी। तो इस मैकेनिज्म का उपयोग जो है हम स्लाइडिंग डोर जो स्ट्रेचेबल डोर्स होते हैं उसके लिए या सपोर्टिंग ए बल्ब और टेलीफोन्स के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। तो बिंदु पी के ऊपर अगर अपन बल्ब लगाते हैं अंदर की ओर तो इसकी लंबाई में कमी हो जाती है और बाहर की ओर अगर खींचते हैं इसको तो इसकी लंबाई के अंदर वृद्धि हो जाती है। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं लेजी टोंग मैकेनिज्म। दूसरा एग्जांपल है बीम इंजन मैकेनिज्म का। बीम इंजन मैकेनिज्म के अंदर ये भी फोर बार चैन का एग्जांपल है। लिंक नंबर ए जो कि स्थिर लिंक है इससे क्रैंक बी जुड़ी हुई है जो कि घूर्णन गति कर सकती है। क्रैंक बी से संयोजक छड़ सी जुड़ी हुई है। सी का दूसरा सिरा जो है ऑसिलेटिंग लीवर डी से जुड़ा हुआ था। लीवर डी एक बिंदु के ऊपर किलित है और इसका दूसरा सिरा जो है वो पिस्टन के अंदर जुड़ा हुआ है। पिस्टन इंजन के अंदर जो है रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। तो इंजन के अंदर जो उत्पन्न शक्ति होती है उसके कारण पिस्टन ऊपर या नीचे जैसे गति करेगा तो लीवर डी जो है वो किलित बिंदु के सापेक्ष जो है वो दोलनी गति करेगा। इस ऑसिलेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंक को स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार से इंजन से प्राप्त जो शक्ति है वो क्रैंक की घूर्णन गति के अंदर परिवर्तित की जाती है। तो ये मैकेनिज्म कहलाता है बीम इंजन मैकेनिज्म। क्योंकि यहाँ पर लीवर डी जो है वो बीम के रूप के अंदर कार्य करता है। अगला एग्जाम्पल है पेंटाग्राफ मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को अपन डबल लीवर मैकेनिज्म भी कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि चार कड़ियाँ जो है ए बी बी सी सी डी और ए डी। बी सी लिंक को जो है इसको एक्सटेंड किया गया है बिंदु पी तक, यानी कि ये बी सी पी एक लिंक हो गया। तो ये फोर बार चैन्स होगी जिसमें लिंक ए बी और बी सी डी की लंबाई, बी सी और ए डी की लंबाई, ये एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। इनके आमने सामने की लिंक की लंबाइयाँ समान है। इस मैकेनिज्म का उपयोग जो है किसी ड्राइंग को एनलार्ज करने में अथवा उस ड्राइंग को कॉपी करके रिड्यूसिंग स्केल के ऊपर बनाने के अंदर किया जाता है। यदि कॉपिंग पेन जो है स्मॉल पी के ऊपर लगा हुआ है तो बिंदु पी जो है इस ड्राइंग को एनलार्ज कर देगा कैपिटल पी, और अगर कॉपिंग पेन जो है कैपिटल पी के ऊपर लगा हुआ है तो स्मॉल पी बिंदु स्केल को उस ड्राइंग को रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि बिंदु ए जो है इसके ऊपर ये पेंटाग्राफ का लिंक जो है स्थिर किया गया है और बिंदु डी भी जो है वो स्थिर है। तो जैसे ही ये स्मॉल पी के ऊपर लगा हुआ कॉपिंग पेन जो है पी डबल डैश के ऊपर जाता है
तो कैपिटल पी बिंदु जो है वो पी डैश के ऊपर जाएगा, उसी अनुपात के अंदर इसकी जो स्केल जो है उसको इंक्रीज कर देगा। तो ये डैश्ड नोटेशन से एक और स्थिति जो इसकी दर्शाई गई है, तो ये एग्जिस्टिंग ड्राइंग को यहाँ पे एनलार्ज कर देगा। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं पेंटाग्राफ मैकेनिज्म। अगला एग्जांपल इसी पेंटाग्राफ मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है जिस इंजन इंडिकेटर डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए। इंजन के अंदर जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो मोशन करता है वो प्रेशर फोर्स के कारण जो है ऊपर नीचे मोशन गति करता है। तो इस पिस्टन के मोशन को अपन वर्टिकल मोशन जो ट्रांसफ़र कर देते हैं बिंदु ए से, तो ए बिंदु जो है वर्टिकल गाइड से जुड़ा हुआ है, तो ये वर्टिकल रेखा के अंदर गति करेगा। ए डी लिंक एक लिंक है, सी डी, बी सी और ए बी, ये चार लिंक्स हैं। यहाँ पे बी सी लिंक को बिंदु आर तक एक्सटेंड किया गया है और सी डी लिंक को एक्सटेंड करके बिंदु ओ के ऊपर स्थिर किया गया है। इस प्रकार से जब पी बिंदु ऊपर या नीचे स्लाइडिंग मोशन करेगा वर्टिकल रेखा के अंदर, तो बिंदु आर भी जो है वो सरल रेखा के अंदर उसी अनुपात के अंदर उसको पाथ को ट्रेस करेगा। तो ये कहलाता है इंजन इंडिकेटर मैकेनिज्म। अगला मैकेनिज्म जो है वो टाइपराइटर्स के अंदर उपयोग में लिया जाता है, जिसको यहाँ पे लिंक की थोड़ी सी शेप भी दर्शाई गई है। तो इस मैकेनिज्म के अंदर दो फोर बार चैन का उपयोग किया गया है, जिसमें एक लिंक जो है वो कॉमन लिंक है, लिंक नंबर चार लिंक जो है वो कॉमन लिंक है। तो लिंक नंबर 1024 जो कि फिक्स्ड लिंक है, लिंक नंबर 2 जो है वो उसको एक्सटेंड करके प्रेस करने वाला जो लीवर पॉइंट बनाया गया, जहाँ उसको प्रेस करने से बल लगाने से अक्षर का जो है टाइपिंग हो जाती है। तो O2A जो है लिंक नंबर 2 है, लिंक नंबर 3 जो है ए बी लिंक है, ए बी लिंक को जो है लिंक नंबर 4 से बी बिंदु के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो O4D जो है वो लिंक नंबर 4 है। तो O4BD को एक्सटेंड किया गया है डी बिंदु तक, लिंक नंबर 4 को लिंक नंबर 5 से जोड़ा गया है और लिंक नंबर 5 जो है वो EO6 लिंक नंबर 6 से जोड़ा गया है। लिंक 6 को आगे एक्सटेंड करके उसके अंतिम बिंदु अंतिम सिरे के ऊपर मिरर इमेज होती है अक्षर की, तो जैसे ही हम इस लीवर को प्रेस करते हैं तो ये अक्षर जो है ऊपर उठकर आगे की ओर जाता है और इम्प्रेशन से जो है कार्बन से या रिबन से उस स्याही की सहायता से पेपर के ऊपर उस अक्षर को प्रिंट कर देता है। तो इस मैकेनिज्म के अंदर दो फोर बार चैंस का उपयोग हुआ है, 1, 2, 3, 4 एंड 4, 5, 6 एंड 1। तो ये टाइपराइटर के अंदर जो मैकेनिज्म्स उपयोग में होता है उसका स्केल्टन डायग्राम बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फोर्स नहीं होता है। तो हर अक्षर के लिए इसी प्रकार का मैकेनिज्म्स उपयोग में लाया जाता है। टाइपराइटर के अंदर आप देखेंगे नंबर ऑफ अक्षर का जो उपयोग होता है हर अक्षर के लिए ये मैकेनिज्म उपयोग में होता है। स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म, जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया, इसमें 3 टर्निंग पेयर और 1 स्लाइडिंग पेयर होता है। इस मैकेनिज्म का उपयोग जो है क्रैंक की रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में और स्लाइडर की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन के अंदर बदलने में किया जाता है। इसी का जो यूजफुल इन्वर्जन्स या अदर मैकेनिज्म्स जो भी होंगे उसके बारे में मैं अपना आज बताएंगे। तो यहाँ पे जो एक इसी का यूजफुल इन्वर्जन्स जो है या अनदर मैकेनिज्म जो है वो सेपर मैकेनिज्म के अंदर यूज में लिया जाता है। मैं मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, इन्वर्जेंस के रूप में वापस उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेपर मशीन के अंदर जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो सेपर मशीन के टूल को या रैम को हॉरिजेंटल स्लाइडिंग मोशन प्रदान करता है। तो यहाँ पर यह भी कंपाउंड मैकेनिज्म है, जहाँ पर लिंक नंबर 1 को स्थिर किया गया है O2-4, फिर क्रैंक O2A लिंक नंबर 2 है, स्लॉटर जो है लिंक नंबर 4 है O4-B और स्लाइडर जो है स्लॉटर के गाइड के अंदर ऊपर या नीचे स्लाइड करता है।
इसके अलॉन्ग जो लिंक नंबर 3 है और बिंदु ए पर जो है कनेक्टिंग क्रैंक से कनेक्टेड है। लिंक नंबर 4 को जो है आगे एक्सटेंड किया गया बिंदु बी तक ओ फोर बी को जो है बी सी लिंक से लिंक नंबर 5 से जोड़ा गया है और बी सी लिंक के सिरे सी के ऊपर रैम कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से ये रैम जो है हॉरिजेंटल स्लाइडिंग मोशन करती है। तो इसके आगे लगा हुआ टूल हेड के अंदर जो टूल जो है वो हॉरिजेंटल सरफेसेज, वर्टिकल सरफेसेज और इंक्लाइंड सरफेसेज को मशीन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसका विस्तृत अध्ययन जो है आप वर्कशॉप की क्लास के अंदर भी आप करेंगे, जहाँ पर प्रत्येक लिंक की प्रत्येक जो है भाग की जो है आकार और उसके फंक्शंस के बारे में अलग से डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ हम स्केलेटन लेआउट या मैकेनिज्म्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इन्वर्जेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द इन्वर्जन। जैसा कि हमने मैकेनिज्म की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि यदि किसी काइनेमेटिक चेन के एक लिंक को स्थिर कर दिया जाए तो हमें यंत्र विन्यास प्राप्त होता है। किसी काइनेमेटिक चेन के अंदर जैसे 4 लिंक्स हैं तो 4 डिफरेंट मैकेनिज्म्स अपने को प्राप्त होते हैं। अलग अलग लिंक को अगर अपन स्थिर करें तो अलग अलग यंत्र विन्यास प्राप्त होते हैं। वो सभी यंत्र विन्यास मूल यंत्र विन्यास के इन्वर्जन्स कहलाते हैं। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म के लिए आवश्यक है कि लिंक्स के बीच की रिलेटिव मोशन सेम होनी चाहिए, लेकिन लिंक की शेप को हम उपयोग के आधार पर उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो डिफरेंट इन्वर्जन्स जो है अपन डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करके प्राप्त करते हैं। स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म के से काफ़ी हमें उपयोगी इन्वर्जन्स प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से डबल स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म जिसके अंदर 2 स्लाइडिंग पेयर और 2 टर्निंग पेयर्स होते हैं उसके भी इन्वर्जन्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ये पहला इन्वर्जन्स जो बताया गया है, जैसे स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म के अंदर सिलेंडर को अपन स्थिर करते हैं, तो अगर सिलेंडर के स्थान पर हम पिस्टन को स्थिर कर दें तो जो यूजफुल इन्वर्जन हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है हैंड पंप मैकेनिज्म। अब जब हमने इसके अंदर पिस्टन को स्थिर कर दिया लिंक नंबर 4 को, तो लिंक नंबर 3 जो होगा वो मुक्त हो जाएगा और उसको हमने आकार दे दिया पिस्टन के रूप के अंदर और लिंक नंबर 4 जो पिस्टन था उसको हमने सिलेंडर के रूप के अंदर बना दिया। कनेक्टिंग रॉड 3 जो है वो इसके अंदर उसी रूप में दिखाई गई है। यहाँ पे क्रैंक को आगे एक्सटेंड करके एक हैंडल के रूप के अंदर दिखाया गया है। तो ये इन्वर्जन्स जो है वो हैंड पंप के मैकेनिज्म के अंदर कार्य करता है। तो हैंड पंप के अंदर एक्चुअल में जो है लिंक नंबर 1 जो है उसकी लंबाई काफ़ी अत्यधिक होती है, जहाँ पर पानी का लेवल होता है वहाँ तक ये एक्सटेंड होता है और इसके एंड के ऊपर एक सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट होता है। जब इस हैंडल को अपन ऊपर नीचे करते हैं तो पिस्टन जो है प्रत्यागामी गति करता है और कुछ समय पश्चात हमें पानी जो है वो हैंडपम्प से बाहर आता हुआ नज़र आता है। इसका स्केल्टन जो है वो दाई ओर चित्र के अंदर दिखाया गया है। लिंक नंबर 1 जो यहाँ पे पिस्टन के रूप में कार्य कर रहा है, लिंक नंबर 4 जो इसको अपन ने गाइड या सिलेंडर के रूप में उपयोग में लिया है, लिंक नंबर 3 जो है वो कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड लिंक है कनेक्टिंग रॉड है और लिंक नंबर 2 जो क्रैंक है जिसको आगे एक्सटेंड करके हैंडल का फॉर्मेशन दिया गया। इसके और इन्वर्जन्स जो है मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊँगा। थैंक यू।